व्यापक पश्चिमी प्रतिबंधों के लागू होने के लगभग 2.5 साल बाद रूस की अर्थव्यवस्था आश्चर्यजनक रूप से अच्छा प्रदर्शन कर रही है। विश्व बैंक ने हाल ही में रूस को उच्च मध्यम आय से उच्च आय वाले देश में बदल दिया है। यह दर्जा 2014 के बाद से नहीं मिला था। यह उन्नयन व्यापार, वित्तीय क्षेत्र और निर्माण में वृद्धि द्वारा संचालित था, जिसके परिणाम स्वरूप 3.6% की वास्तविक GDP और 10.9% की नाम मात्र GDP में वृद्धि हुई है। हालांकि ज्यादातर विशेषज्ञों के अनुसार यह सुधार युद्ध अर्थव्यवस्था के कारण है और इसके लंबे समय तक बने रहने की संभावना नहीं है। विश्व बैंक ने कहा है कि रूस में आर्थिक गतिविधि 2023 में सैन्य संबंधी गतिविधि में बड़ी वृद्धि से प्रभावित हुई थी। विश्व बैंक प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय यानी पर कैपिटा ग्रोस नेशनल इनकम के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं को अमेरिकी डॉलर में 4 समूहों में वर्गीकृत करता है, निम्न, निम्न मध्यम, उच्च मध्यम और उच्च। उच्च आय वाले देशों के लिए बैंक के 2024-25 वर्गीकरण ने सीमा को बढ़ाकर $14,005 या उससे अधिक कर दिया है। दरअसल विश्व बैंक ने अनुमान लगाया कि पिछले साल रूसियों ने सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर प्रति व्यक्ति $14,250 कमाए। विश्व बैंक ने कहा कि बुल्गारिया और पलाऊ क्रमशः $14,460 और $14,250 प्रति व्यक्ति GNI के साथ उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था बनने में रूस के साथ शामिल हो गए। नाम मात्र GDP के संदर्भ में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय में रूस विश्व स्तर पर 72वें स्थान पर है तथा क्रय शक्ति समता में 53वें स्थान पर है। इसके अलावा यूक्रेन, जो फरवरी 2022 से रूस के आक्रमण से जूझ रहा है, को भी अपग्रेड मिला है। विश्व बैंक ने कहा कि 2023 में आर्थिक विकास फिर से शुरू होने के बाद यूक्रेन ने निम्न मध्यम आय वाले देश से उच्च मध्यम आय वाले देश में अपनी स्थिति में सुधार किया है। 2022 में प्रतिबंधों के शुरुआती मंदी के प्रभाव के बाद रूसी अर्थव्यवस्था 2023 में विकास की ओर लौट आई है, जिसे सैन्य खर्च और ऋण विस्तार सहित राजकोषीय प्रोत्साहन द्वारा समर्थित किया गया है और प्रतिबंधों के प्रभाव को सफलतापूर्वक कम किया गया है। G7 देशों और यूरोपीय संघ की ओर से व्यापार और वित्त पोषण पर प्रतिबंधों के परिणाम स्वरूप रूसी व्यापार चीन, भारत, तुर्की, मध्य एशिया और दक्षिण काकेशस की ओर चला गया तथा नए बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक्स में निवेश बढ़ा। इस प्रक्रिया के अनुरूप प्रतिबंध लगाने वाले देशों की मुद्राओं में रूस के बाहरी व्यापार लेन देन का हिस्सा 2021 में लगभग 80% से घटकर 2023 में 30% से भी कम हो गया। तो आखिर क्यों रूस पर लगाए गए प्रतिबंध कारगर नहीं हुए? दरअसल रूस के ऊर्जा क्षेत्र पर प्रतिबंध उतने कड़े नहीं हैं, जितने वेनेजुएला या ईरान पर लगाए गए थे। पश्चिम ने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंधों को डिजाइन किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि रूस जीवाश्म ईंधन का उत्पादन जारी रखेगा और तेल की कीमतों में कोई महत्वपूर्ण उछाल नहीं आएगा। जबकि पश्चिमी यूरोप के अधिकांश देशों को रूसी जीवाश्म ईंधन निर्यात में गिरावट आई है, कुल निर्यात मात्रा अपेक्षाकृत स्थिर बनी हुई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो तेल पहले यूरोप जाता था वह अब कहीं और, खासकर चीन और भारत में जा रहा है। 2022 से कॉरपोरेट निवेश में सुधार हुआ है, जो 2023 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में अनुमानित 4.5% अंक जोड़ देगा, अपितु रूस के रक्षा और विनिर्माण क्षेत्रों में निवेश बढ़ा है। इसके अलावा निजी खपत में जोरदार सुधार हुआ है, जिससे सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में 2.9% अंक की वृद्धि हुई है। यह तेजी से बढ़ते ऋण और मजबूत श्रम बाजार द्वारा संचालित हो रहा है, जिसमें केवल 3% की रिकॉर्ड निम्न बेरोजगारी दर और मजदूरी में सामान्य वृद्धि है। मौद्रिक प्रोत्साहनों का उपयोग करते हुए बड़े पैमाने पर स्वैच्छिक सैन्य भर्ती मॉडल ने उपभोक्ताओं के वर्गों को खर्च जारी रखने की अनुमति दी है। आज का प्रश्न, विश्व बैंक ने 2024-25 के लिए उच्च आय वाले देशों के लिए सीमा को कितना बढ़ाया है? ए $10,000, बी $12,500, सी $14,500, डी $15,000
अपना उत्तर कमेंट में दें।